अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों कल की वीडियो में आपने देखा था कि मैंने मुर्गी अंडों पर बिठाई थी और आज सुबह सुबह आए हो तो मुझे दो अंडे और आ गए। ये देखिए, ये मुर्गी के नीचे रखते हैं क्योंकि ये अंडे हैं, हो सकता है एक दिन बाद भी निकाला क्योंकि एक दफ़ा हमने पहले भी चेक किया। वैसे ना ये इन बच्चों में से ना वो वाला एक बच्चा इनमें से भी एक दिन बाद निकला था क्योंकि वो अंडे हमने एक दिन बाद रखा था। तो यार दोस्तों ये दो अंडे हैं, ये इस मुर्गी के नीचे रख देते हैं। तो यार दोस्तों मैं अंडे नीचे रखने लगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं खुद नीचे करती है कि नहीं। और ये इसने कर लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। अपने नीचे खा रही है अंडे, बस इसको देखते हैं। दोस्तों सारे अंडे इसने अपने नीचे खा रही है, अब इसको डिस्टर्ब नहीं ज़्यादा करते, ये बंद कर देते हैं और ये ऐसे भी बंद कर देते हैं। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं, मैं करता सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चीज़ों का अभी हमने ये कुलचे और ये डाले हैं, ये मुर्गी साथ ही छोड़ दी है। उम्मीद है कि ये मुर्गी इनको कुछ नहीं कहेगी, अगर कहेगी तो इसकी खैर नहीं। और ये मुर्गी अपने अंडों पर बैठी हुई है। और यार दोस्तों मुर्गियों को बाजरा या कोई औषधि डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इनको यही कुलचे खा लेंगे बस। ये अब मुर्गी छोड़नी है, पहले ये खा लें, इनको ताड़ के फिर इस मुर्गी को छोड़ेंगे। यार दोस्तों शाम का टाइम है और मौसम चेक करें कितना प्यारा हुआ है, बादल चेक करें, आसमान ऐसे है जैसे कोई आर्टिफिशियल आसमान होता है। यार इस मुर्गी को देखते हैं इसने कोई अंडा दिया है कि नहीं, उम्मीद तो नहीं है कि दिया होगा, नहीं दिया होगा दोस्तों। शाम का टाइम है, इनको अभी उतार देते हैं और उससे पहले ये केज साफ करते हैं। बहुत ज़्यादा ही गंदा होगा भाई केज, देख सकते हैं। पर केज साफ करने से पहले भी एक काम करना होगा, नीचे से मुर्गी को निकालना होगा। उसके बाद अगर यहाँ छोड़ा तो ये मुर्गा है, यहाँ पर चूसे तंग करेंगे इस मुर्गी को। खैर एनीवेज गाइस, कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ लेंगे इनको कि क्या करना है। यार दोस्तों अभी ये खा लें तो इसके बाद फिर इनको मैं तार दूंगा, और पहले ये खा लें फिर इनको तारूंगा मैं। इतनी देर फिरते रहे, जो जितना इन्होंने खाना है खा लें अपना, वो अब तक देखते हैं। यार दोस्तों मैं क्या सोच रहा हूँ, जो हमारे पास वो भाई तोता है ना, वो बोल भी रहा है, उसके लिए ना कोई मैं सोच रहा हूँ कि कोई तोती ले आऊँ। क्योंकि यार मैंने एक भाई से पूछा था कि वो कह रहा था ये तोता ही है, और इसके लिए मैं बहुत जल्द तोती ले आऊँगा, बस आपने सपोर्ट करना है। यार दोस्तों ये देख सकते हैं ये तोता मेरे पीछे आके बैठ गया है, अब ये कुछ भी नहीं कहता। जब पहले दिन आपने देखा था कि ये थोड़ा गुस्से में था, अब हमारे साथ ज़रा फ्रेंडली होकर रहता है। ऐसे ऐसा ये और ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा और ये बोलना भी शुरू हो जाएगा, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि जब ये बोलना शुरू होगा। इसके लिए इसलिए तो मैं कह रहा हूँ तोती लेके आनी है हमने। तो यार मैं सोच रहा हूँ इसके लिए तोती भी वही वाली लानी है जो हैंड टेन हो। और ये देखे मेरे सर पर चढ़ना चाह रहा है, ये देख सकते हैं मेरे सर पर चढ़ना चाह रहा है, और इसके नाखून बहुत ज़ोर से चुभते हैं। यार मैं सोचा कहना ये चाह रहा था कि जो हमारा तोता है ना, इसके लिए हम तोती भी वो वाली लाए जो एंटेन हो, ये बहुत ज़्यादा इसके नाखून दर्द करते हैं, नाखून इसके बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। तो यार दोस्तों मैंने काम क्या करना है, सबसे पहले ना इसके नाखून काटने हैं, इसके नाखून सबसे पहले मैंने काटने, क्योंकि यार वो बहुत ज़ोर से काटता है, और इसके इसी काटने की वजह से यार मुझे इस पर बहुत काटता नहीं है, इसके जो नाखून होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसके नाखून काट देने हैं। क्योंकि यार ये बहुत जब चढ़ता है ना तो इसके बहुत ज़्यादा दर्द होती है, वो मैं सर पर, और ये देखिए अभी भी देखे। तो यार वैसे मज़ा भी आता है जब ये ऐसे करता है। तो यार तोता यहाँ आकर बैठ चुका है और वो अंदर जाना चाह रहा है, देख सकते हैं आप।
वो देखिए अंदर जा रहा है, पर इसको क्या पता इसका ये घर है नहीं, इसने आखिर बाहर ही नहीं आना है। यार दोस्तों अभी मैंने एक सोचा है कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये जो तोता है ना हमारा, इनको इन चूज़ों के पास छोड़ते हैं और देखते हैं चूज़ों का क्या रिएक्शन होता है और तोते का क्या रिएक्शन होता है। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर चेक करते हैं, देखते हैं चूज़े तोते से डरते हैं या तोता चूज़ों से डरता है, या दोनों की अंदर प्यार मोहब्बत जाग जाते हैं और एक दूसरे को कुछ नहीं करते, और ना ये दोनों को यकीनन कुछ ना कुछ कहेंगे उसको, इनका मैं कुछ नहीं कह सकता, इनके साथ ट्राई करते हैं। तो यार उससे पहले ये तोता पकड़ते हैं और फिर यहाँ छोड़ते हैं। तो यार मैंने तोता यहाँ छोड़ दिया और ये है वो, और ये रहा तोता, और ये रहे हैं मुर्गी हैं, और मुझे जहाँ तक लग रहा है चूज़े ही डर रहे हैं, वो तोता भी डर रहा है, दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं हुआ कि इनको इस तोते को यहाँ छोड़ देते हैं। वो भाई ज़्यादा कुछ मत कहना। तो यार चूज़े इसको मार रहे हैं, एक्सपेरिमेंट मुझे ज़रा ख़तरनाक से ही लग रहा है। चूज़े गौर से इसको देख रहे हैं, देखें कि यार भैया कौन सी नई चीज़ आ गई है हमारे अंदर, कि क्या है। वो तोता भी इनको ऐसे ही देख रहा है। तो यार कुछ चूज़े तो अपने लड़ाई के मूड में आ चुके हैं और कुछ चूज़े ज़रा अंदर से डर डर के देख रहे हैं। एक ये देसी, और दोनों देसी डर डर के देख रहे हैं, बाकी एक ये वाला चूज़ा, एक ये वाले चूज़ा और एक ये वाला जो हाथ को पड़ता है ना हमारे, ये दोनों लड़ाई के मूड में इसको देख रहे हैं। और मैंने रिस्क ज़्यादा रिस्क नहीं लिया कि इसको इसमें छोड़ के, क्योंकि इनका तो कुछ नहीं होना लेकिन तोते का बहुत कुछ हो जाना है। तो यार देखे तोता फिर से नीचे आया था अपनी बहादुरी निकालने, लेकिन दो के ठूंगे का आगे वापस ऊपर आ गया है। पहले ये बहुत आकर दिखा रहा था ना, अब इसको चूज़ों के पास छोड़ा है और इसकी सारी आकर निकल गई है। तो यार मैंने कहा था ना आसमान इतना ज़्यादा प्यारा हुआ है, देखा तो आपको मैं सारी, और वो देखे सारा आसमान देखे इतना ही ज़्यादा प्यारा हुआ है, और मैं आपको ज़्यादा भी उल्टी खाता हूँ। वो देखे सूरज ग्रूब हो रहा है, कितना ही प्यारा मंजर है, शाम का टाइम है, वो देखें आप यार, ऐसे भी बहुत कम मिलती देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह के व्यूज यार बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। और ऊपर दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मौसम प्यारा हुआ गया आपके, आप यहाँ भी रहते हो आपके यहाँ मौसम प्यारा हुआ है, तो आप मौसम इंजॉय करें, मेरे आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप मेरी वीडियो ये इंजॉय करते हुए इस मौसम में देखें मज़ा आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मेरे आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, कल एक नई टॉपिक के साथ, अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और यार दोस्तों आप कहाँ भी लाइफ इंजॉय कीजिएगा, अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।